तो दोस्तों अगर आप 10 से 5 व्यूज़ आते हैं तो भाई कैसे आप उनको इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप उनको 10 से 5 को 50 कर सकते हो, कैसे 100 कर सकते हो। जैसे मैंने किया है भाई, मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि भाई मैंने कैसे अपने जब मेरे 10 से 5 व्यूज़ आते थे कैसे मैंने उसके अंदर क्या ट्रिक्स लगाई है। उसके अंदर आपने अब मेरे व्यूज देख भी लिए होंगे कि भाई अब एवरेज व्यूज रहते हैं, अप डाउन तो होते ही रहते हैं व्यूज, वो सभी यूट्यूबर्स के साथ है, चाहे कोई छोटा क्रिएटर्स हो या बड़ा यूट्यूबर्स हो, भाई व्यूज अप डाउन होते रहते हैं। तो ऐसे मैं आपको आज 5 तरीके बताने वाला हूं जो आप फॉलो करो और आपके डेफिनेटली आपके व्यूज इंक्रीज होंगे। अगर आप ये 5 तरीके फॉलो करोगे तो भाई आपके पक्का भाई 101% आपके जितने व्यूज आ रहे हैं, 10 से 15 व्यूज आ रहे हैं तो भाई उससे तो ज्यादा ही हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है वो सुन लीजिए। अगर आपके 10 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपके 100 सब्सक्राइबर्स हैं तो भाई कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है सिर्फ आपका थंबनेल। अगर आपने आई कैची थंबनेल बना दिया, मतलब थंबनेल को थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया, तो भाई जरूर आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा। आपने वीडियो के अंदर क्या बताया है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि भाई अगर आपने कोई भी वीडियो सर्च करते हो आप हाउ टू अर्न मनी ऑन इंस्टाग्राम एंड हाउ टू अर्न मनी ऑन ट्विटर एंड हाउ टू अर्न मनी ऑन फेसबुक, अगर आप ये टॉपिक्स आप उसके अंदर लिखो, कोई भी इन कीवर्ड्स को सर्च करेगा अपने यूट्यूब में और वहां से सजेशंस में जो वीडियो आएंगी, तो आपकी जो वीडियो होगी, आपका जो थंबनेल होगा, उनसे बेहतर दिखना चाहिए, तभी आपके वीडियो पर वो क्लिक करेगा। आपको इसलिए बहुत आई कैची थंबनेल बनाना पड़ेगा। थंबनेल का जो कलर करेक्शन है, थंबनेल का जो कंट्रास्ट है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा। थंबनेल्स के अंदर जो टाइटल्स लगाते हो वो आपको बहुत कम से कम यूज करने हैं, ताकि कोई भी आपको इजिली पढ़ ले। आपकी वीडियो सजेशंस में जाएंगी या आपकी वीडियोज को कोई सर्च करेगा, कोई भी कीवर्ड्स लगा करके आपकी वीडियो वहां पर दिखती है और भी वहां पर क्रिएटिव सी वीडियो आती है, तो भाई अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव हुआ तो भाई जरूर डेफिनेटली आपकी वीडियो पे क्लिक करेगा। सेकंड थिंग इज दैट, अगर आपने वीडियो अच्छी बनाई है, थंबनेल के साथ साथ वीडियो अच्छी बनाई है, तो भाई वीडियो भी जरूर देखेगा पूरी वो आपकी। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि आपको थंबनेल्स के अंदर मिसलीडिंग नहीं करनी है। मिसलीडिंग बता देता हूं मैं क्या होता है भाई। मिसलीडिंग ये होता है आपने वीडियो के अंदर बताया कुछ और है और थंबनेल में कुछ और लगा दिया, भाई बिल्कुल भी आपको नहीं करना मिसलीड। क्योंकि एक बार चलो आपने एक बार कर दी गलती, ये मिसलीड आपने कर दिया, चलो लोगों ने क्लिक कर लिया, लेकिन दोबारा नहीं करेंगे वो। जब आप उसको दिख जाएगा कि भाई थंबनेल्स में कुछ और लिख रहा है बंदा और वीडियो के अंदर कुछ और है, तो भाई एक बार तो लोग बेवकूफ बन जाएंगे लेकिन बार बार नहीं बनेंगे। इसलिए आपको थंबनेल के अंदर मिसलीडिंग नहीं करनी है। जो आप यूट्यूब पर बता रहे हो, जो आपकी वीडियोस के अंदर है मटेरियल, आपको वही थंबनेल पर लिखना है। तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, अगर आपकी उस मिसलीडिंग वाले थंबनेल से अगर आपके पास ऑडियंस आती है तो उससे बैड इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ऑडियंस जब आपकी चैनल्स पर आ जाएगी तो सिर्फ क्लिक करेगी, और जब आप उनको बताओगे कि आज क्या बताने वाला हूं, तो भाई वो सीधी बाहर निकल जाएगी तो भाई आपका नुकसान हो जाएगा, आपके पास इंप्रेशंस भी नहीं आएंगे, और इंप्रेशंस नहीं आएंगे तो भाई व्यूज भी नहीं आएंगे, और अगर आपके पास इंप्रेशंस नहीं आएंगे तो भाई यूट्यूब भी आपको प्रमोट नहीं करेगा। अब सुन लीजिए YouTube कैसे प्रमोट करता है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने थंबनेल अच्छा बनाया, थंबनेल की वजह से वो आपकी वीडियो के अंदर गए, आपने वीडियो एडिट बहुत जबरदस्त किया, आपका कंटेंट बहुत जबरदस्त था, इस वजह से उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपकी कंप्लीट वॉच कर ली। तो जब YouTube की एल्गोरिदम समझ जाएगी कि भाई इस वीडियो पे लोग फुल वॉच कर रहे हैं, इसको बीच में छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तो भाई डेफिनेटली आपकी वीडियो को YouTube प्रमोट करेगा। अगर आपका बहुत अच्छा कंटेंट है तभी प्रमोट करेगा। जैसे आपकी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो है 5 मिनट और आपके व्यूवर्स उसके अंदर आए और 1 मिनट या 30 सेकंड देख करके और बाहर चले गए सीधा, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। उससे ये नुकसान है कि YouTube की एल्गोरिदम समझ जाती है कि भाई कंटेंट अच्छा नहीं है, इसलिए इस वीडियो को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब 30 से 1 मिनट तक का इसमें मतलब बंदे टिक रहे हैं, उसके बाद भाग रहे हैं, तो भाई YouTube की एल्गो समझ जाएगी इसको और आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं करेगी। इस वजह से आपको एक अच्छा कंटेंट बनाना है, तभी आपकी वीडियो पर व्यूज भी आएंगे, इंप्रेशंस भी आएंगे और YouTube आपकी चैनल को प्रमोट भी करेगा, आपकी वीडियो को भी प्रमोट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। आपको ऐसे नहीं करना है कि भाई क्योंकि बहुत ये वैसे आप लोग यही काम कर रहे हो, मतलब सभी यूट्यूबर्स को आपने फॉलो किया हुआ है, सभी को सब्सक्राइब किया हुआ है, और आप क्या करते हो, बस थंबनेल देख करके अंदर चले जाते हो, लेकिन आप पूरी वीडियो नहीं देखते, तो इस वजह से इंप्रेशंस भी कम रहता है और ऑडियंस रिटेंशन भी डाउन हो जाता है। अगर आप किसी वीडियो के अंदर पहुंच गए हो किसी थंबनेल के थ्रू या किसी भी थ्रू, आप वहां से सीखना चाह रहे हो या कुछ देखना चाह रहे हो,
तो भाई एटलीस्ट पूरी वीडियो वॉच कर लिया करो, क्योंकि आपके वजह से ही नुकसान हो सकता है बाकी क्रिएटर्स का भी, हमारा भी। और आप सीख रहे हो भाई, आप भी सोचते होंगे भाई मेरी भी वीडियो कोई पूरी देखे, ठीक है। इसलिए आपकी वीडियो तभी कोई पूरी देखेगा जब आप किसी की वीडियो पूरी देखोगे, ठीक है। आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, आपको कंप्लीट उसको वॉच करना है, क्योंकि अगर आप आधे में छोड़ के भागोगे तो भाई YouTube प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। YouTube को लगेगा कि भाई वीडियो अच्छी नहीं है, इस वीडियो को रोक दो यहीं पे। ऐसी बहुत सारी वीडियो होती हैं जो रोक देते हैं, चलती नहीं, एक भी व्यूज नहीं आता भाई, तो इसलिए ये गलती मत करना। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, आपको टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन बहुत और ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो आप अभी टाइटल और टैग्स लगा रहे हो वो आपको यूट्यूबर्स के देख लेने हैं कि भाई बड़े क्रिएटर्स कैसे लगाते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप उसमें आई बटन में जाओ और वहां से आप ट्यूब बड़ी का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो जाकर के देखो। उसमें मैंने दिखाया कि भाई आप किस तरह से आप बड़े क्रिएटर्स के टाइटल्स देख सकते हैं, वो किस तरह से अपने टाइटल्स लगा रहे हैं, वो किस तरह से अपने कीवर्ड्स लगा रहे हैं, अपने टैग्स लगा रहे हैं। तो भाई वहां से आप जाकर थोड़ा थोड़ा आइडियाज लो। अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैं इस वीडियो का टाइटल कैसे लिखूं, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूं, या मैं इसका इसमें टैग्स कैसे लगाऊं, तो भाई आप बड़े क्रिएटर से आइडिया ले सकते हो यार। आप उनसे, आप चाहते हो कि यार मैं उनसे पूछ लूं, ये आप गलती करते हो। आप चाहते हो कि यार मैं, मेरे चैनल में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं सोच रहा हूं कोई बड़ा यूट्यूबर्स मिल जाए, उससे बात कर लूं, भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे चैनल नहीं चल रहा, टाइटल कैसे लगाऊं, डिस्क्रिप्शन। भाई वो आप सिखा तो रहे हैं अपनी वीडियो में, वो अपनी वीडियो में कैसे लगा रहे हैं, ठीक है। आप सीखो ना उनसे जाकर के, आप देखो उसी जो आपने एक बार जो टॉपिक पर वीडियो बनाई है, आप उसको एक बार जाकर चेक करो कि भाई इस वीडियो में इसने क्या टाइटल रखा है, ठीक है। आप उसी की टाइटल की कॉपी करने की कोशिश करो, बिल्कुल सेम ना लिखो, लेकिन हाँ आप अपने तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यही है मेरा, आप टाइटल टैग्स और डिस्क्रिप्शन में आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। जो आप अभी लगा रहे हो उससे आपको और इंप्रूव करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, वो मैंने आपको SEO वाली वीडियो में बताया, जाकर आई बटन में देख लेना कि अपने SEO करके आप कैसे टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। और मैं भी आपको एक छोटा सा आइडिया दे सकता हूं, अगर आपको टाइटल टैग या डिस्क्रिप्शन लगाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई बड़े क्रिएटर्स जिस तरह से लगाते हैं ना भाई, उस तरह से आप लगाने की कोशिश करो। जिस भी टॉपिक पर आपने बात करी है, आप उस टॉपिक को सर्च करो यूट्यूब के अंदर, और वहां पर देखो कि भाई बड़े क्रिएटर्स कैसे टाइटल लगाते हैं, कैसे टैग लगाते हैं, ठीक है। अगर आपने ट्यूब बडी नहीं डाउनलोड किया, तो भाई ये एक्सटेंशन डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल में भी या अपने डेस्कटॉप में भी, ठीक है। वहां से आपको दिख जाएगा कि बड़े क्रिएटर्स किन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। आई बटन में जाना, ट्यूब बडी की कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पर मैंने बताया कि भाई कैसे आप बड़े क्रिएटर्स के टैग्स देख सकते हो, क्या कीवर्ड्स लगाए उन्होंने उसके अंदर, आप वहां से जाकर के देख लेना और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना। अब मैं आपको चलता हूं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेकर के, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे काम कर रहे हो, मतलब आप थंबनेल अच्छा बना रहे हो, टाइटल अच्छे से लगा रहे हो, डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख रहे हो और टैग भी अच्छे से लगा रहे हो, फिर भी आपकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा प्लीज खर्चा कर लेना यार। महीने में एटलीस्ट 2,000 रुपए आप खर्चा करो। वो ये है कि अगर आपको वीक के अंदर एक वीडियो पर आपको एडवर्ड के थ्रू उसको प्रमोट करना पड़ेगा, अगर आप एडवर्ड के थ्रू उसको प्रमोट कर लेते हो, तो भाई डेफिनेटली आपके व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी रीच इंक्रीज हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आना लगेगा अगर आप ये सब काम करते हो। तो भाई मैंने किया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया है कि किस तरह से मैंने अपने 10 से 15 व्यूज से मैं इतने व्यूज लेके आया हूँ जितने आप अब देख रहे हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।